4 माह पूर्व कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि महाराज सरगुजा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र व बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता चिंतामणि महाराज ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। जिस तरह से लोग प्यार और स्नेह बरसा रहे हैं उससे लगता है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उस समय की स्थितियों के अनुसार मैं कांग्रेस में गया था, लेकिन अब मैं घर वापस आ गया हूं। लोकसभा टिकट हमको मिला नहीं है, पार्टी भरोसा की है और उस भरोसा पर हम कितना खरा उतरते हैं वो अपने को देखने का आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जैसा जनता का रुझान है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद है निश्चित रूप से वो सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। परिस्थिति अलग अलग बनता है, जैसा स्थिति परिस्थिति बना उसके आधार पर मेरे को जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं अपने घर में वापस आ गया हूं और अब हमको यहीं रहना भी है और अपने घर के लिए काम भी करना है। जनता के बीच मुद्दा लेकर के जाने वाला जो विषय है, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव पूरे देश स्तर का रहता है और विधानसभा प्रदेश स्तर का होता है। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जो मुद्दा तय करेगी उसके आधार पर और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ का जो सरगुजा लोकसभा है तो यहाँ के जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग जो मुद्दा तय करेंगे उसके आधार पर हम उस मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और उसमें निश्चित रूप से एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मोदी जी की गारंटी, जिसको लेकर के हम सभी जनता के बीच में आए। चिंतामणि नहीं बना सकता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर सब एक साथ हैं तो क्यों नहीं बना सकते। यहाँ तो अकेला चिंतामणि नहीं बल्कि जितने कार्यकर्ता हैं सब चिंतामणि बन करके चुनाव लड़ेंगे। और जो सरकार का जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। अगर सभी कार्यकर्ता काम में लगेंगे तो क्यों नहीं होगा, जनता तक सरकार की योजनाओं का जानकारी भी पहुंचेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। उसके लिए तो मैं गारंटी नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं जैसा कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हमारे लोगों का उत्साह है, उसको देखकर कैसा लगता है कि